नमस्कार, आप देख रहे हैं श्याम न्यूज मैनपुरी और मैं हूं आपके साथ श्याम किशोर यादव। मारकंडे मेले में ट्रांसफार्म से हो रही बिजली चोरी। गिरोर क्षेत्र में लगने वाले मारकंडे मेले में डंके की चोट पर बिजली चोरी की जा रही है। रसूखदार ट्रांसफार्म से कटिया डालकर विद्युत चोरी कर रहे हैं। एक ओर जहां बिजली चोरी हो रही है, वहीं दुकानदारों से बिजली के नाम पर वसूली भी हो रही है। मामला यह विकासखंड गिरोर क्षेत्र के गांव बिधूना में हर साल की तरह इस बार भी मारकंड मेला चल रहा है। 15 दिन चलने वाले इस मेले में 1 सैकड़ा से अधिक दुकानें लगती हैं। यहां रोशनी के लिए विद्युत निगम से अस्थाई कनेक्शन लेना अनिवार्य है, लेकिन इस बार रसूखदारों ने बिना अस्थाई कनेक्शन के ही ट्रांसफार्म से सीधे तार जोड़ लिए। आसपास स्थापित 3 ट्रांसफार्म से कटिया डालकर दुकानों पर बिजली आपूर्ति की जा रही है। रसूखदार भले ही बिजली चोरी कर रहे हैं, लेकिन दुकानदारों से बिजली के उपयोग के लिए वसूली भी की जा रही है। इनसे प्रति बल्ब 50 रुपए की दर से बिजली खर्च वसूल किया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार विद्युत निगम के क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से ही बिजली चोरी हो रही है। इसी कारण अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। वही इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा भी पहले भी कुछ विद्युत अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन वहां के ठेकेदारों पर आज दिन तक कोई ना तो कार्रवाई हुई ना जांच हो रही है। हालांकि देखा जाए तो काफी दूर दूर से ट्रांसफार्मर लगे हुए, उनसे कटियां डाल करके मेले में एक घर पर या कमरे में बिजली लाने के बाद दुकानों को बिजली दी गई है। इसके संबंध में आज दिन तक ना तो कोई जांच हुई है ना कोई कार्रवाई हुई है। हालांकि एक युवक द्वारा जब वीडियो चोरी के संबंध में बनाया गया तो वहां का ठेकेदार भी भड़क गया, बोला मैं आपके खिलाफ भी FIR करा सकता हूं। इस तरह की चर्चाएं तेज चल रही हैं। हालांकि वही देखा जाए तो कहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा जहां एक कहीं कहीं देखा जाए तो इस तरह से दिखाई देता है कि एक झोपड़ी में कोई भी एक बल्ब लगाकर चोरी करता है तो उसकी अभियान चलाकर जांच होती है, उसके बाद FIR कर दी जाती है विभाग द्वारा। लेकिन मेले में कई दिनों से लगातार कई कटियां डाल करके 3 ट्रांसफार्मरों से चोरी की जा रही है, लेकिन विद्युत विभाग के कानों तक जू तक नहीं रिंगा। इस संबंध में SDO बरनहाल दिलीप भारती से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेरे संज्ञान में है कि अस्थाई कनेक्शन होने के बाद रसीद कटी है, लेकिन इस तरह का मामला नहीं है। तो बिजली अगर चोरी हो रही तो इस संबंध में जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि विद्युत विभाग द्वारा अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद वहां जांच होगी या नहीं होगी, या वहां के रसूखदार ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई होती या नहीं होती है। सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी कि मेले में इतनी बड़ी तादाद पर चोरी की जा रही है, फिर भी अधिकारी चुप्पी क्यों साधे, इसका भी कोई कारण है या मिलीभगत से चोरी की जा रही है। प्रिय दर्शकों, अपने आसपास की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए श्याम न्यूज मैनपुरी चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक जरूर करें। धन्यवाद।